हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे थे आरटी एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसका हमने पार्ट 7 तक डिस्कस किया हुआ है। आज हमें पार्ट 8 देखना है। यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है ABEO नाम से, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। साथ में यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुँचते रहे। चलिए फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को हमारे मोबाइल ऐप में ABEO पेपर 2 के लिए कोर्स चल रहा है, फुल कोर्स। तो यदि आप इच्छुक हैं ज्वाइन करने के लिए तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसमें कॉलिंग की भी सुविधा है। तो आप इसमें कॉल करके जानकारी ले लीजिए यदि आपको ये कोर्स को परचेस करना है तो, जिसकी फ़ीस है 2249। यदि आप ऐप में जाते हैं तो आपको 2999 दिखेगा, लेकिन अभी इसमें 25% ऑफ रखा, अभी कंटिन्यू है ये ऑफ़र, जो कि 75 स्टूडेंट तक ही बस है। तो अभी ये है ऑफ़र, तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिए और ये इस ऑफ़र का आप लाभ ले सकते हैं और आपको ये कोर्स 2249 में मिल जाएगा। जैसे ही 75 स्टूडेंट्स हो जाएंगे तो ये कोर्स अपने ओरिजिनल प्राइस 2999 में आ जाएगा। तो यदि आप इच्छुक हैं ज्वाइन करने के लिए तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए। चलिए फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। साथ में आप यदि YouTube के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो YouTube में भी 50% सिलेबस कवर करवाया जाएगा। आपको बस करना क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाना है। तो उसमें से क्या है कि ज़्यादा से, यदि ऐसा लगेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं वीडियो के लिए तो प्रॉपरली वीडियो अपलोड होते जाएंगे, और यदि ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे तो फिर वीडियो अपलोडिंग का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। तो यदि आप प्रॉपर स्टडी यूट्यूब के माध्यम से भी यदि कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो बस आपको करना ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना है। तो चलिए फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा आरटी एक्ट 2009 का पार्ट 8। क्योंकि हमने पार्ट 7 में एंड कहाँ किया था, तो हमने एंड किया था, हम देख रहे थे अध्याय 4, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में हमने कहाँ तक देख लिया था, तो हमने धारा 12 तक देखा था, सेक्शन नंबर 12 तक हमने देखा था। आज हम सेक्शन नंबर 13, जो कि धारा 13 है, वहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं अपने सेशन को। तो सेक्शन नंबर 13 क्या बोलता है, नो कैपिटेशन फी एंड स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन। प्रवेश के लिए किसी प्रति व्यक्ति फीस और अनुवीक्षण प्रक्रिया का ना होना, किसी भी प्रकार का कोई कैपिटेशन फी नहीं लिया जाएगा और कोई स्क्रीनिंग प्रोसीजर नहीं होगा। किस लिए, प्रवेश के लिए। इसमें और क्या बताया गया है, तो इसमें बताया गया है नो स्कूल अ पर्सन शैल व्हाइल एडमिटिंग अ चाइल्ड कलेक्ट एनी कैपिटेशन फी एंड सब्जेक्ट द चाइल्ड ऑफ हिज और हर पेरेंट्स और गार्जियन टू एनी स्क्रीनिंग प्रोसीजर। इसमें ये बताया जा रहा है प्रवेश के समय किसी भी, कोई भी विद्यालय किसी भी व्यक्ति से, जैसे कि विद्यार्थी हो गए, उनके अभिभावक हो गए, माता पिता हो गए, तो उनसे जो है किसी भी प्रकार की कैपिटेशन फ़ी नहीं वसूली जाएगी, किसी भी प्रकार की कैपिटेशन फ़ी नहीं वसूली जाएगी और ना ही किसी भी प्रकार का अनुवीक्षण प्रक्रिया होगी, कोई स्क्रीनिंग प्रोसीजर नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इस अधिनियम का उद्देश्य है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। यदि कैपिटेशन फी आप लगा रहे हो इसका मतलब निःशुल्क नहीं है। यदि आप स्क्रीनिंग प्रोसीजर कर रहे हो इसका मतलब आप अनिवार्य, आप रोक रहे हो अनिवार्य शिक्षा लेने से, आप कंपलसरी एजुकेशन लेने से आप रोक रहे हो। इसीलिए ये दोनों चीज़ को क्या कर दिया गया है, ये दोनों चीज़ नहीं रहेंगी बताया गया। आपसे एग्जाम में पूछेगा इन विच सेक्शन ऑफ आरटी एक्ट देयर इज अ प्रोविजन फॉर नो कैपिटेशन फी एंड स्क्रीनिंग प्रोसीजर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत कैपिटेशन फी और अनुवीक्षण प्रक्रिया कहाँ, किस धारा के अंतर्गत वर्णित है, तो आपको क्या याद आ जाना चाहिए, धारा 13। और कौन सा अध्याय है ये, तो अध्याय 4, चैप्टर नंबर 4, सेक्शन नंबर 13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे देखते हैं इसके बारे में। एनी स्कूल और पर्सन इफ इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन, यदि कोई विद्यालय ऐसा करे तो क्या होगा, यदि ना माने तो,
क्यों? क्योंकि हर किसी को तो पता है भ्रष्टाचार नहीं करना है, लेकिन फिर भी तो भ्रष्टाचार होता है। तो यहाँ पे तो लिखा है कि कैपिटेशन फी नहीं लेना है, स्क्रीनिंग प्रोसीजर नहीं करना है, लेकिन यदि किए तो क्या होगा, देखते हैं क्या होगा, है ना। तो यदि वो ले रहे हैं तो रिसीव्स, इफ स्कूल रिसीव्स कैपिटेशन फी शैल बी पनिशेबल विथ फाइन विच मे एक्सटेंड टू 10 times द कैपिटेशन फी चार्ज्ड। इसका क्या मतलब होता है कि यदि उन्होंने जितना भी कैपिटेशन फी लिया होगा, उन्होंने जितना भी कैपिटेशन फी लिया होगा उसका 10 गुना उन्हें उन्हें क्या है पेनाल्टी देनी पड़ेगी। 10 गुना जितना भी उन्होंने लिया है उसका 10 गुना उनको देना है। उन्होंने यदि 100 रुपये कैपिटेशन फी लिया है तो उन इंटू 10 कर दीजिए, इतना उनको पेनाल्टी पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या बताया गया, प्रति व्यक्ति फीस प्राप्त करता है तो वह जुर्माने से जो प्रभावित व्यक्ति फीस के 10 गुना तक हो सकेगा, वो दंडनीय होगा इससे। 10 गुना तक का जो कैपिटेशन फी उसने वसूली है उसका 10 गुना उसे क्या करना पड़ेगा, भरपाई करना पड़ेगा। फिर क्या बताया गया है, सब्जेक्ट्स अ चाइल्ड टू स्क्रीनिंग प्रोसीजर, और यदि वो अनुवीक्षण प्रक्रिया करता है, यदि वो स्क्रीनिंग प्रोसीजर करता है, करता मतलब कि विद्यालय की बात हो रही है यहाँ पे, यदि वे करते हैं तो क्या होगा, शाल बी पनिशेबल विद अ फाइन विच मे एक्सटेंड टू 25,000 rupees फॉर द फर्स्ट कॉन्ट्रवेंशन एंड 50,000 rupees फॉर ईच सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रवेंशन। इम्पॉर्टेंट है ये, है ना, एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस है। तो ध्यान से सुनिए क्या लिखा हुआ है, यदि कैपिटेशन फी वसूला तो कितना देगा बताइए, तो यदि कैपिटेशन फी वसूला तो उसको 10 गुना देगा, 10 गुना देना पड़ेगा कैपिटेशन फी का पेनाल्टी में। और यदि उन्होंने स्क्रीनिंग प्रोसीजर किया तो क्या करना पड़ेगा, तो स्क्रीनिंग प्रोसीजर में उन्हें 25,000 का जुर्माना देना पड़ेगा यदि पहली बार अनुवीक्षण प्रक्रिया स्क्रीनिंग प्रोसीजर करते हुए पकड़ाए गए। और यदि ये फिर भी नहीं माने और बार बार यदि यही चीज़ कर रहे हैं तो दूसरी बार में तीसरी बार में अब जब भी ये पकड़ा रहे हैं तो कितना पटाएंगे, 50,000 रुपये, 50,000 रुपये पहली बार में 25,000 देंगे, और फिर भी ये नहीं मानेंगे तो फिर आगे जितनी बार ये ऐसा करते हुए पकड़ाए जाएंगे तो कितना देंगे, ये 50,000 रुपये का जुर्माना इन पर लगेगा। किसी बालक को अनुवक्षण प्रक्रिया के अधीन रखते हैं तो वह जुर्माने से जो पहले उल्लंघन के लिए 25,000 रुपये और पश्चातवर्ती उल्लंघन के लिए 50,000 तक का दंडनीय अपराध होगा। ये यानी कि उन्हें क्या करना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा, ठीक है। ये दो चीज़ आपको याद हो जानी चाहिए। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं धारा 14, सेक्शन नंबर 14। सेक्शन नंबर 14 क्या बोलता है, प्रूफ ऑफ एज फॉर एडमिशन, प्रवेश के लिए आयु का सबूत। अब आयु का सबूत क्यों मांगा जा रहा है, आयु का सबूत क्यों मांगा जा रहा है, प्रूफ ऑफ एज क्यों बोला गया है, क्यों? क्योंकि इस अधिनियम के अंतर्गत क्या लिखा है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए है ये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, इसीलिए कि वो कितने उम्र के हैं ये भी तो पता चले। तो देखते हैं क्या लिखा क्या है इसमें, हम उसको पहले देखते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन टू एलिमेंट्री एजुकेशन द एज ऑफ द चाइल्ड शैल बी डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस, आगे देखते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक, गलती से लिखा है, प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश के प्रयोजनों के लिए किसी बालक की आयुजन, फिर क्या है कि वो क्या है, किस तरह से वो निर्धारित होगा उसे हम देख लेते हैं। शैल बी डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द बर्थ सर्टिफिकेट इशू, कैसे उनकी उम्र को बताएंगे कि हाँ ये इतने उम्र का है ये बच्चा, तो कैसे बताएंगे, शाल ऑन द बेसिस ऑफ द बर्थ सर्टिफिकेट इशूड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द बर्थ डेथ मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1886 और ऑन द बेसिस ऑफ सच अदर डॉक्यूमेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। कैसे पता चलेगा कि उनकी उम्र कितनी है, तो बर्थ सर्टिफिकेट से, और बर्थ सर्टिफिकेट किस एक्ट के अंडर में आना चाहिए, तो वो बर्थ डेथ एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1886, क्या याद रखना है 1886। बर्थ सर्टिफिकेट तो है, जन्म प्रमाण पत्र तो है, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र का कौन सा अधिनियम है, 1886 का अधिनियम, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, आयु जन्म मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1886 के उपबंधों के अनुसार जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर उनकी आयु निर्धारित की जाएगी, या फिर कोई अन्य दस्तावेज के आधार पर। अन्य दस्तावेज कब आ जाते हैं, कि जो कोई भी सानी प्राधिकारी या उपयुक्त सरकार ऐसा
प्रिस्क्राइब कर दें, विहित कर दें कि ठीक है ये भी चल जाएगा, इसको भी ला सकते हो आप, चल जाएगा। तो ये क्या है, आयु पता चल गया। फिर उसके बाद और क्या लिखा हुआ है, नो चाइल्ड शैल बी डिनाइड एडमिशन इन अ स्कूल फॉर लैक ऑफ एज प्रूफ। यदि कोई बालक नहीं ला पाया, क्यों नहीं ला पाया, क्योंकि बहुत सारी स्थितियां क्या होती हैं कि बहुत सारे बच्चों का जन्म कहाँ हुआ रहता है, कि ग्रामीण अंचलों में हुआ रहा होता है, या फिर हम बोल सकते हैं घरों में हुआ होता है। ठीक है, वैसे तो सरकार की ये हमेशा, सरकार इसको और भी ज़्यादा मोटिवेट कर रही है, और मोटिवेट के साथ में और ज़्यादा प्रोत्साहित करने का काम कर रही है, और क्या बोल रही है कि जो बच्चों का जो जन्म हो वो हॉस्पिटल में ही हो, है ना, इसीलिए तो इतनी सारी सुविधाएं सरकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। लेकिन यदि नहीं है तो उसके बेसिस में, क्यों, क्योंकि 2009 में आया था तो उतना ज़्यादा तो नहीं था, तो क्या बता दिया गया, क्योंकि बहुत लोगों का घर में यदि जन्म हो गया, या फिर क्या बोलते हैं हम बोल सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ, तो वो तुरंत जा कर के बर्थ सर्टिफिकेट नहीं इशू किए, नहीं लिए जन्म प्रमाण पत्र, क्योंकि हॉस्पिटल में यदि जन्म होता है तो जन्म प्रमाण पत्र तुरंत मिल जाता है। लेकिन बाकी यदि घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ तो जन्म प्रमाण पत्र यदि नहीं है तो क्या बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा? तो इस अधिनियम में लिखा है, क्या लिखा है, कि किसी बालक को आयु का सबूत न होने के कारण किसी विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा। कि ठीक है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और क्या बताया जा रहा है, नो डिनाइल ऑफ एडमिशन, वो प्रूफ था एज का, अब नो डिनाइल, प्रवेश से इनकार ना किया जाना। क्या लिखा है इसमें देखते हैं, अ चाइल्ड शैल बी एडमिटेड इन अ स्कूल एट द कमेंसमेंट ऑफ द एकेडमिक ईयर और विद इन सच एक्सटेंडेड पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। जैसे सेशन स्टार्ट हुआ बच्चों का प्रवेश करवा दीजिए। क्या लिखा है, किसी बालक को शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ पर या किसी विस्तारित अवधि के भीतर जो विहित की जाए किसी विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। ये आप विस्तारित अवधि समझते हैं क्या होता है, विस्तारित अवधि के भीतर, जैसे कि अभी कोरोना काल चल रहा था कि जो सेशन ये जब स्टार्ट हुआ तब बच्चों का प्रवेश नहीं हुआ, फिर बाद में जब स्कूल खुली तब हो रहा है किसी बच्चों का, ये होता है विस्तारित अवधि, ठीक है। एक्सटेंडेड पीरियड, यदि जो भी डिसाइड किया है कि ठीक है इस दिन से अब हम लोग जो है स्कूल को ओपन कर रहे हैं, तो वो होता है विस्तारित अवधि, ठीक है। तो क्या बताया गया कि किस तरह से, प्रोवाइडेड दैट नो चाइल्ड शैल बी डिनाइड एडमिशन इफ सच एडमिशन इज सॉट सबसिक्वेंट टू द एक्सटेंडेड पीरियड। परंतु एक तो पहली बात क्या है कि जब सेशन स्टार्ट हुआ तभी एडमिशन करवा लीजिए, या फिर जो बोला गया था उस समय एडमिशन करवा लीजिए। लेकिन यदि कोई नहीं किया तो, परंतु किसी बालक को प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा यदि किसी प्रवेश विस्तारित अवधि के पश्चात होता है तो, यदि ये जो विस्तारित अवधि है उसके पश्चात में हो रहा है तो क्या किया जाएगा, प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी चाइल्ड एडमिटेड आफ्टर द एक्सटेंडेड पीरियड शैल कंप्लीट हिज स्टडीज इन सच अ मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। परंतु यह और है कि विस्तारित अवधि के पश्चात प्रवेश प्राप्त कोई बालक ऐसी रीति में जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए अपना अध्ययन पूरा करेगा। यदि कोई, जैसे कि सेशन ईयर स्टार्ट हो गया, ठीक है, कि कब से स्टार्ट हो गया, हम मान करके चलते कि 16 जून से जो है स्कूल स्टार्ट हो गई, अब इस समय सभी बच्चों का एडमिशन हो जाना चाहिए, क्योंकि स्टार्ट हो चुका है स्कूल, तो ठीक है बच्चे जा रहे हैं। कोई यदि नहीं गए तो ये तो वैसे नॉर्मल सेशन ईयर स्टार्ट हो गया, 16 जून से पढ़ाई स्टार्ट है, ठीक। फिर उसके बाद किसी कहीं जगह पे 1 जुलाई हो गया, कहीं पे 16 जून हो गया, ठीक है। लेकिन यदि अब जैसे कि कोरोना काल चल रहा था तो सरकार के द्वारा ही बोला गया था ना कि अभी विद्यालय नहीं खोले जाएंगे, तो अक्टूबर में खुले हैं विद्यालय, तो तब जा कर के लोगों ने प्रवेश ले लिया उस, या फिर बहुत लोगों ने पहले से लिया था, बहुत लोगों ने बाद में लिया है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ले लिए हैं अक्टूबर में, ले लिए जाने लग गए हैं। लेकिन यदि इसमें भी कोई लोग नहीं ले पाए, अब वो सोच रहे हैं कि हम ना जनवरी में एडमिशन ले लेते हैं, हम जनवरी में, तो क्या उनको मना कर दिया जाएगा, नहीं, हमारा ना अक्टूबर से चालू हो गया था, तुमको अब नहीं दिया जाएगा। तो क्यों नहीं मना किया जाएगा, इस अधिनियम में लिखा है, इस अधिनियम में क्या लिखा है कि ठीक है वो विस्तारित अवधि के बाद भी यदि प्रवेश लेना चाहता है तो उसे प्रवेश दिया जाएगा, उसे इनकार नहीं किया जाएगा। और ये होना चाहिए कि वो जब भी, जैसे कि जनवरी में ले रहा है कोई बच्चा एडमिशन, तो भी वो अपनी एजुकेशन को पूरा करे, वो कंप्लीट करे अपनी स्टडी को, ऐसा प्रावधान है, ठीक है दे दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि कारण होते हैं,
कारण होते हैं तो वो बता दिया जाएगा, तो फिर हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के सरकार का लक्ष्य क्या है, आपको समझ में आ रहा है कि किसी भी तरह से जो बच्चों की एजुकेशन है, जो हमने ऐसा प्रावधान किया कि अनिवार्य शिक्षा हो जाए, यानी क्यों, क्योंकि दिक्कत क्या आ रही थी, दिक्कत ये आ रही थी सरकार ने, ये जब आप पढ़ेंगे यूनिट 4 को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों सरकार ने इतने अधिनियम को लाए, क्यों ऐसा किया जा रहा था। इसलिए मैं पहले इसको पढ़ा रही हूँ जिससे आपको, आप लिंक कर पाओगे, वरना लिंक नहीं कर पाओगे इसको, ठीक है। तो क्या है कि बहुत सारी दिक्कत क्या थी कि बच्चे एक दो साल पढ़े फिर छोड़ दिए, उनकी तो एजुकेशन तो पूरी ही नहीं हुई। जब एजुकेशन पूरी नहीं हुई है तो सरकार क्या करे जिससे बच्चे पढ़ पाए, क्यों, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है यहाँ पे, युवा पीढ़ी यदि बिना पढ़ी लिखी है तो क्या वो सही है, क्या देश के भविष्य के लिए सही है, तो बिल्कुल नहीं है। क्या वो आर्थिक विकास के लिए, देश के आर्थिक विकास के लिए क्या ये सब सही है, तो बिल्कुल सही नहीं। तो सरकार का ये इसके पीछे, इस अधिनियम के पीछे एक लक्ष्य है, वो ये है कि कम से कम शिक्षित हो जाएं। इसीलिए क्या किया जाए, अपन ऐसा करते हैं कि हम ना फ्री कर देते हैं। अब निःशुल्क है तो ठीक है, अब निःशुल्क है तो बच्चे जा रहे हैं कि फीस तो देना नहीं पड़ रहा है, चलो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी वजह से बहुत सारी स्कीम जैसे कि मिड डे मील स्कीम ये सब लाई गई ना, यही सब कारण है कि कम से कम आओ तो सही, बैठो तो सही, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये सब समझ में आ रहा है क्यों ये बोला जा रहा है कि बिल्कुल रोका ही नहीं जाएगा, चाहे वो विस्तारित अवधि के बाद भी यदि प्रवेश लेने आते तो भी नहीं रोका जाए, क्यों, क्योंकि सरकार का लक्ष्य है कि उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाए, ठीक। आगे देखिए हम, आगे और क्या बताया जा रहा है, प्रोहिबिशन ऑफ होल्डिंग बैक एंड एक्सपल्शन, रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध है। लिंक करना, हाँ, क्या बताया जा रहा है, इसको लिंक करना, क्यों सरकार का लक्ष्य क्या था कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की उनकी शिक्षा तो पूर्ण हो कम से कम। अब देखिए ये क्या बोले, रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध, प्रोहिबिशन ऑफ होल्डिंग बैक एंड एक्सपल्शन, क्या दिया है इसमें, देखिए, नो चाइल्ड एडमिटेड इन अ स्कूल शैल बी हेल्ड बैक इन एनी स्कूल और एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल टिल द कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। व्हाट डज दिस मीन एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा क्या है बताइए, अभी तक हमने बहुत बार मैंने आपको बताया क्या है ये प्रारंभिक शिक्षा, तो प्रारंभिक शिक्षा होती है 6 से लेकर के 14 वर्ष, यानी कि class 1 से लेकर के class 8 तक की, इस अधिनियम के अंतर्गत वो प्रारंभिक शिक्षा को इन्होंने डिफाइन कैसे किया, इन्होंने 6 से लेकर के 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे और 1 से लेकर के 8 तक की शिक्षा। अब क्या बताया गया इसमें कि किसी भी बच्चों को किसी भी क्लास में ना ही रोका जाएगा और ना ही उन्हें निकाला जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा है रोकना और निकालना क्या होता है, यदि बच्चा फेल हो गया, हम समझते हैं, हम ऐसे मानते हैं कि class 5 में कोई बच्चा फेल हो गया, तो अब फेल हो गया तो क्या करें, अब उसको class 5 में बैठा के रखें और उसको फिर से दोबारा बोले कि आप पढ़िए class 5 को दोबारा पढ़िए, तो इस अधिनियम में लिखा है कि नहीं, किस अधिनियम में, RTE Act 2009 में लिखा हुआ है, याद ध्यान देना है ना, किस में लिखा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में क्या लिखा हुआ है कि किसी भी बच्चों को किसी भी कक्षा में रोका नहीं जाएगा। बच्चे फेल हो गए, ठीक है, फेल है ना, कोई बात नहीं आगे प्रमोट करो, पहुंचाओ इनको 6 class 6 में, पहुंचा दिए। अभी ये बच्चा 6वीं में 1 बार 2 बार 3 बार फेल होता जा रहा है बच्चा, तो क्या करें, अब भगा दें स्कूल से, तुम जाओ, तुम यहाँ मतलब पढ़ने के लायक नहीं, तुम जाओ अब यहाँ से, तो ऐसा लिखा है, इसको निकाला भी नहीं जाएगा, तो क्या करोगे, 6वीं में भी अटक गया तो क्या करें, आगे बढ़ाते जाओ, कहाँ तक बढ़ाओ, 8वीं तक आगे बढ़ाते जाओ, प्रारंभिक शिक्षा इनकी कंप्लीट करवाओ, समझ रहे हो, ये होता है इसका मतलब, प्रोहिबिशन ऑफ होल्डिंग बैक एंड एक्सपल्शन, रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध है, ना तो रोका जाएगा उन्हें किसी भी कक्षा में और ना ही उन्हें विद्यालय से निकाला जाएगा, ठीक है। तो और क्या बताया जा रहा है, प्रोहिबिशन ऑफ फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हरासमेंट टू चाइल्ड, क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ फिजिकल पनिशमेंट, बालक को ना ही किसी प्रकार का शारीरिक दंड दिया जाएगा और ना ही उसे मानसिक उत्पीड़न दिया जाएगा, इसका भी प्रतिषेध है। यानी कि ये नहीं कि टीचर का मन कर रहा है तो आज डंडा ही लेकर के चल दिए हैं, तो नहीं,
क्या बताया गया, बालक के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध है। क्या लिखा है इसे देखते हैं हम। नो चाइल्ड शाल बी सब्जेक्टेड टू फिजिकल पनिशमेंट और मेंटल हरासमेंट। किसी बालक को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा या उसका मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। और ये कब, ये 2009 के अधिनियम में लिखा है। और जिन्होंने उससे पहले अपनी शिक्षा ग्रहण कर ली, प्रारंभिक शिक्षा, तो वो तो अच्छे डंडे खाए हैं, है ना। तो ये कब आ गया, 2009 में आया, 2010 में लागू हो गया। उसके बाद से बच्चे बढ़िया अच्छे से पढ़ रहे हैं, ना कोई डंडा, और उससे पहले वाले क्या है, बढ़िया से खाए हैं स्कूल में, है ना। तो इसमें क्या है, इसमें लिखा है कि ना ही उन्हें शारीरिक दंड दिया जाएगा और ना ही उनसे उन्हें मानसिक उत्पीड़न दिया जाएगा। और क्या बताया गया, Whoever contravenes the provision of subsection 1, यानी कि ना दिया जाए, यदि उन्होंने उल्लंघन किया, shall be liable to disciplinary action under the service rule applicable to such person। और यदि वो ऐसा करते पाए गए तो डंडा लेकर के फिर भी जा रहे हैं और मार रहे हैं उन्हें, यानी कि फिजिकली उनको पनिश कर रहे हैं और मेंटली उनको हरास कर रहे हैं, तो शारीरिक रूप से उन्हें दंड दे रहे हैं और मानसिक रूप से उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो वो जो है अनुशासनिक कार्यवाही के अधीन आ जाएंगे, उनके खिलाफ में अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी, ऐसा भी प्रावधान है। अब आपको याद क्या करना है कि क्या इसमें अनुशासनिक कार्यवाही का प्रावधान है या नहीं, तो बिल्कुल है। यदि वो क्या करते पकड़ाए जाते हैं, यदि वो फिजिकली बच्चों को पनिश कर रहे हैं या मेंटली बच्चों को हरास कर रहे हैं, तो ठीक है। तो ये चीज़ हमें बिल्कुल याद हो जानी चाहिए, इतनी चीज़ें। इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ये सेशन आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में आपको केवल और केवल इस फ्री एजुकेशन के लिए आपको क्या करना है, आपको केवल और केवल शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाना है, जिससे सभी लोग लाभ ले सकें। क्योंकि लोगों तक ये नहीं है कि ABO एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कैसे करें, बुक, क्योंकि बुक भी पता नहीं है, इसका सिलेबस आप खुद देख रहे हैं कि किस तरह का सिलेबस है, तो इसको आपको बहुत सारे बुक पढ़ना पड़ेगा। जब आपको पढ़ाया जा रहा है YouTube में 50% सिलेबस जब हम कवर कर रहे हैं, तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कीजिए, जिसे सभी लोग इस फ्री इनिशिएटिव का लाभ ले सकें, फ्री इनिशिएटिव का लाभ ले सकें, जो हमारी पहल है कि हम जो है यूट्यूब में ही कवर करवाएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कीजिए, केवल आपको, आप समझ रहे हैं, आपको केवल और केवल करना है शेयर करना, और कुछ भी नहीं करना है आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करना है। हम नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।